हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में आपको बैग का हॉल दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स ये मैंने कुछ बैग ऑनलाइन मंगवाए थे तो उसी का मैं आपको आज हॉल दिखाऊंगी। तो मैं फ्रेंड्स स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अमेजोन से डायनाकॉल का बैग मंगवाया था। ये तीन कॉम्बो का सेट है फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स सबसे पहले अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो ये इस तरह से वाइट कलर के बैग में आया है, ये देखिए। और यहाँ पर डायनाकॉल ब्रांड मिल गया। तो चलिए फ्रेंड्स मैं ओपन करती हूँ इसको। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से पिंक कलर का बैग है ये। फ्रेंड्स ये तीन बैग हैं, ये पिंक कलर का बैग है फ्रेंड्स, तीनों ही पिंक कलर के हैं, प्लेन बैग हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ बैग में भी DK प्लस और डायनाकॉर यहाँ पर ब्रांड नेम दिया। और अगर फ्रेंड्स मैं इस बैग के इन तीनों बैग के फैब्रिक की बात करूँ तो ये फॉक्स लेदर इनका फैब्रिक है। और ये इस तरह से आप शोल्डर बैग है, आप इसको टांग सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये स्टाइलिश यहाँ पर स्टाइलिश बेल्ट टाइप की दे रखी है, यहाँ इसमें भी डायनाकॉर दिया है तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स अंदर से ये इस तरह से है, तो अंदर से इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी फ्रेंड्स स्पेस है। ये देखिए आप इसको इस हैंडबैग को मार्केट में ले आ सकते हैं, आप इसमें शॉपिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। कोई भी आपने सामान ख़रीदा, आपके कोई भी क्लोज खरीदे या कुछ भी खरीदा तो आप इसमें रख सकते हैं आसानी से, क्योंकि काफ़ी अंदर से इसमें काफ़ी स्पेस दिया है फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स मैं इसके अंदर से इसके फैब्रिक की इनर फैब्रिक की बात करूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इनर फैब्रिक इसका बहुत ही सॉफ्ट है, पिंक कलर का इसका इनर फैब्रिक भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की, ये बाहर से इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, अंदर से भी उतना अच्छा इसका फैब्रिक है। इसमें फ्रेंड्स एक अगर हम माइनस पॉइंट देखें तो इसमें कुछ भी यहाँ पर जिप नहीं दी रखी है या फिर कुछ बांधने के लिए नहीं दे रखा है, बस इसका ये बहुत माइनस पॉइंट है। अदरवाइज ये बैग अच्छा है। अब फ्रेंड्स मैं दूसरे बैग की बात करूँ तो ये मीडियम साइज़ का बैग है, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और इसमें फ्रेंड्स अंदर ये इसकी बेल्ट है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे पुश करके आप यहाँ इसको लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये भी एक हैंडबैग अच्छा है फ्रेंड्स। ये देखिए अंदर से इसका स्पेस की बात करें तो ये इसका अंदर से स्पेस है, अच्छा स्पेस है फ्रेंड्स। और अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ भी एक पॉकेट है, इसमें आप अपना मोबाइल या कुछ भी रख सकते हैं। और दूसरे साइड भी फ्रेंड दो छोटे छोटे पॉकेट्स दिए हैं, तो इसमें आप अपने इम्पोर्टेंट पेपर्स रख सकते हैं। और अंदर इसमें काफ़ी स्पेस है, आप इसमें भी अपना कोई सामान रख सकते हैं। तो अगेन फ्रेंड्स ये भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, या अगर आप मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने तो ये बहुत अच्छा है उस पर्पज़ से भी। अब फ्रेंड्स अगर मैं तीसरे बैग की बात करूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से स्लिंग बैग है इसका, ये भी पिंक कलर का स्लिंग बैग है। और ये देखिए सबसे पहले मैं अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड अंदर से अगर मैं इसकी स्पेस की बात करूँ तो इसमें जो स्पेस का है वो ज़्यादा नहीं है, आप सिर्फ अपना मोबाइल और कैश और कार्ड्स रख सकते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, आप पेपर वेपर रख सकते हैं बस। स्लिंग बैग है, आप इसमें इसको आप साइड में ऐसे टांग के आप इसको टांग सकते हैं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें ये गोल्ड कलर की फ्रेंड्स ये चेन दी है, ये बहुत इसकी वजह से ये स्लिंग बैग बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चेन देख रहे हैं तो ये बहुत सुंदर लगती है इसमें, तो आप इसको साइड में टांग सकते हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हैं डायनाकॉर के तीनों बैग, ये तीनों मुझे कॉम्बो प्राइस में मिले हैं। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था और जो इसका प्राइस था वो नियर अबाउट 1000 रुपीज़ था।
और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी बात करूँ इसके फैब्रिक की, तो इसका सब फैब्रिक्स बहुत अच्छा है, पॉक्स लेदर है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है अंदर से भी बाहर से भी। और प्लस अगर मैं इसका एक और प्लस पॉइंट देखूँ फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये इस तरह से बैग में आया है, तो जब आपको यूज़ नहीं करना है तो आप इसको इस बैग में रख दीजिए, तो ये ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं आपको दूसरा बैग दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बटरफ्लाइज कंपनी का, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, ये भी ब्रांड है बटरफ्लाइज, और ये बबल रैप में पैक होकर आया था, तो वो मैंने पैक हटा दिया। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, इस तरह से ये खोलने का है फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर मैं इसके आउटलुक की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये जो इसकी ये बंद करने का है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरह से आप करिए और ऐसे बंद कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छा है। और अगेन अगर हम इसके आउटलुक की बात करें फ्रेंड्स, तो ये मल्टी कलर बैग है, एक तरफ ऑरेंज है एक तरफ पिंक है, और इसमें और भी शेड्स थे पर मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस हैंडबैग को ऑर्डर किया है। ये देखिए फ्रेंड्स पीछे से भी अगर आप देखें तो ये बहुत सुंदर है, और यहाँ पर अगर आप देखें फ्रेंड्स बटरफ्लाई में, जो बटरफ्लाइज के हैंडबैग होते हैं उनमें ये बटरफ्लाई हर जगह बनी होती है, तो ये देखिए छोटी सी चेन में ये बटरफ्लाई बनी हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये आउटलुक इसका बहुत अच्छा है। अब फ्रेंड्स मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स बैग ट्रैवल पर्पस से के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप ट्रैवलिंग पे कहीं जा रहे हैं तो आप इसको आराम से ले जा सकते हैं। अगर आप ये देखिए फ्रेंड्स इसकी कोई भी अगर आप देखें यहाँ पर जिपर, तो यहाँ पर भी बटरफ्लाई दी हुई है, इस तरह से ये पैक होकर आया है फ्रेंड्स। इस तरह से जो पैकेजिंग बैग्स की होती है, ये जो इसमें न्यूज़पेपर रखे रहते हैं, पॉलिथीन रखे रहते हैं, ये फ्रेंड्स इसलिए रखे होते हैं ताकि इसमें मॉइस्चर ना जाए और ये आपका बैग ख़राब ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स अंदर से इसका स्पेस, ये देखिए इसका अच्छा स्पेस है फ्रेंड्स। अगेन आप ट्रैवलिंग पर्पज़ से इसको यूज़ कर सकते हैं, या मार्केट जा रहे हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छा स्पेस है। और यहाँ एक चेन दी हुई है, यहाँ पर एक पॉकेट है, तो आप इसमें सामान रख सकते हैं, बीच में ये एक पॉकेट है फ्रेंड्स, कंपार्टमेंट है, इसमें भी आप रख सकते हैं, और आप यहाँ पर भी ये दो छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिए हैं, तो आप इसमें भी अपना मोबाइल या कुछ भी आप कैरी कर सकते हैं, तो इसमें भी स्पेस काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। और प्लस इसमें पीछे भी अगर आप देखें तो यहाँ भी एक पॉकेट दी हुई है, और अगर हम साइड की बात करें तो यहाँ साइड में भी पॉकेट्स दी हुई हैं, यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी स्टाइलिश बैग है, ये मुझे हैंडबैग बहुत अच्छा लगा। अगर आप देखें तो ये बहुत छोटा भी नहीं है ना बहुत बड़ा, ये मीडियम साइज़ है, और ये मल्टी कलर है, और इसका जो फैब्रिक है फ्रेंड्स ये सिंथेटिक इसका फैब्रिक है, और फ्रेंड्स ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, और जो इसका प्राइस है वो भी 1000 रुपीज़ है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बैग की देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये नेक्स्ट बैग ये है, अगेन फ्रेंड्स ये भी डेली पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा बैग है, मुझे इसकी ये जो डिज़ाइन है ये बहुत अच्छी लगी थी, यहाँ ये जाली टाइप की नेट दी है, और पीछे अगर हम देखें तो गोल्डन गोल्डन है, और यहाँ पर ये फ्रिंज है, तो ये मुझे इसके फ्रिंज बहुत अच्छे लगे, मुझे इसका पैटर्न बहुत अच्छा लगा, डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो ये भी एक तरह से हैंड बैग है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा हैंड बैग है, और इसमें ये दो कंपार्टमेंट दिए हैं, इस तरफ एक इस साइड, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस है दोनों साइड, और अंदर एक पॉकेट दी हुई है, और यहाँ पर फ्रेंड्स पीछे भी एक पॉकेट दी हुई है। अब फ्रेंड्स अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ तो ये लेदर फैब्रिक इसमें दिया था, कि ये लेदर इसका फैब्रिक है, तो ये मैंने फ्रेंड्स शॉप क्लू से ऑर्डर किया है, और जो इसकी प्राइस है वो ये 500 के अंडर ही है, ये 400 समथिंग का मुझे मिला था, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था, क्योंकि इसमें ये प्रिंज है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा।
और ये इसमें जो ऊपर का ये डिज़ाइन है ये भी मुझे बहुत पसंद आया फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था फ्रेंड्स। तो ये जो मैंने फ्रेंड्स आपको तीनों बैग दिखाए, ये आप आराम से ट्रैवल पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, आपको मार्केट जाना हो तो भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, और आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने इसको इसलिए इन तीनों बैगों को ऑनलाइन ऑर्डर किया था फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हम इन बैगों को कैसे आप रखना है अगर मैं उसकी बात करूं फ्रेंड्स, तो आप कोई भी बैग लें फ्रेंड्स तो आप उसको मॉइस्चर से ज़रूर बचाएं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मॉइस्चर बैग में लगेगा तो आपका बैग ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप मॉइस्चर से अपने बैग को बचाने के लिए आप इस तरह के जो जैसे ये वाइट कलर का ये जो है बैग, आप इसमें पैक करके रखिए जब आपको ज़रूरत ना हो, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से बैग बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको बैग को साफ़ करना है फ्रेंड्स तो आप एक सूखा कपड़ा लीजिए और आप अपने बैग को साफ़ कर दीजिए, तो उससे आपके बैग काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे फ्रेंड्स। और अगेन आप मॉइस्चर से ज़रूर बचाइए तो आपके बैग ख़राब नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स बैग का, हैंड बैग्स का हॉल फ्रेंड्स। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूंगी तो उसकी अपडेट्स आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।